नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक पीएसयू बैंक पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं दोस्तों कि पीएनबी में असली खेल अब शुरू होगा, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बजट जो आया है इंडियन गवर्नमेंट का, और इस बजट में क्या फैसले लिए गए हैं पीएसयू बैंकों को लेकर, और इस फैसले से जो है पंजाब नेशनल बैंक में किस प्रकार की तेज़ी आने वाली है, और हमें इसमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, ये पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैंने पंजाब नेशनल बैंक को लेकर बजट से पहले एक वीडियो बनाया था। यदि ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो वाले बॉक्स में जाकर आप देख लीजिए कि मैंने पहले ही वीडियो बनाया था बजट से ठीक एक दिन पहले, कि बजट के बाद पीएनबी में होगा विस्फोटक धमाका, डाटा देखकर चौंक जाएंगे। यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है मैंने कवर किया था पीएसयू बैंकों को लेकर, खासकर पंजाब नेशनल बैंक को लेकर। वैसा तो इंडियन हिस्ट्री के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्टॉक मार्केट का जिस दिन बजट आता है, शेयर बाजार में जिस दिन बजट आया उसी से जो है तूफानी पारी चालू है। और यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं, चाहे हम पीएसयू बैंकों की बात करें या प्राइवेट बैंकों की बात करें, सभी के सभी बैंक्स यहाँ पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और पीएसयू बैंकों में एक जोरदार न्यूज आई है दोस्तों, बहुत ही विस्फोटक खबर। इस खबर को जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। पीएसयू बैंक टू रेज 10,000 करोड़ फंड। जी हाँ दोस्तों, दो महीनों के अंदर अंदर जितने भी पीएसयू बैंक हैं वो 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये मानना है डीएफएस सेक्रेटरी का, डीएफएस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जितने भी इंडिया के पीएसयू बैंक हैं वो 10,000 करोड़ रुपये फंड रेज करेंगे विद इन 2 मंथ। यानी कि अभी ये महीना चल रहा है दोस्तों फरवरी का, आज है दोस्तों 3 फरवरी, और अभी 31, यानी कि मोटा मोटी आप समझ जाएं कि 31 मार्च के पहले जो है जितने भी पीएसयू बैंक हैं वो 10,000 करोड़ की फंड रेज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही फंड रेज होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि 10,000 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, और बैंक जो है इसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है बैंकों में। और हम बात करें पीएसयू बैंकों को, तो पीएसयू बैंकों में जो सबसे हेड हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये ऑलरेडी जो है 50,000 करोड़ रुपए का फंड जो है रेज कर चुके हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो है एक स्टेट ऑन पीएसयू बैंक है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक, तो यदि देखा जाए तो ये ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपये फंड जो है जुटा चुके हैं, लेकिन अभी भी 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ का फंड और इकट्ठा करने की यहाँ पर बात चल रही है। और जो डीएफएस की जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ बताया कि इस फंड के बाद भी इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 31 मार्च से पहले, बैंक जो है और भी ज़्यादा फंड रेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और पीएसयू बैंकों के अंदर इंटरनल रूप से ये प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा आप देखें तो इंडियन बजट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट आया दोस्तों 1 फरवरी 2021 को, उसमें पीएसयू बैंकों को लेकर हमारी देश की जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं श्रीमती सीता निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है पीएसयू बैंकों को लेकर 20,000 करोड़ का बजट यहाँ पर पेश किया है। यानी पीएसयू बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार भी चाहती है कि प्राइवेट बैंक आगे जाएँ। और इससे पहले बता दें कि इससे 20,000 करोड़ फंड से पहले जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है 3,788 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, केनरा बैंक 2,000 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, किसके जरिए, QIP के जरिए, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जो है 3,778 करोड़ रुपये का जो है फंड पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक 2,000 करोड़ का फंड रेज किए हैं पिछले महीने में। और आज का चार्ट आप देखें तो कुछ गजब ही तेजी, तकरीबन 6.5% के साथ आज पंजाब नेशनल बैंक का शेयर क्लोज होता हुआ दिखा। और मैंने पहले बताया था दोस्तों कि अभी भी मौका है इस शेयर में एंट्री करने का, यदि आप लोग चूक गए हैं तो अभी भी मौका है, अभी भी एंट्री करने का बेहतरीन मौका है। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों, जो पंजाब नेशनल बैंक और अन्य सभी प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंकों में जो है घी में आग डालने का काम करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा विल बी
सोल्ड टू प्राइवेट फर्म। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दो ऐसे बैंक हैं जिनको प्राइवेट करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इस फाइनेंशियल बजट में पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि बैंकों जो पीएसयू बैंक हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनको कानो कान चल रही थी कि इनको जो है प्राइवेट किया जाए। और बजट में ये जो हमारे देश की जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस साल के अंत तक जो है जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होगी और पीएसयू बैंकों का प्राइवेटाइजेशन यहाँ से शुरू होगा। और इस कड़ी में पहले जो है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको जो है प्राइवेट किया जाएगा। तो इससे जो है क्या आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट होने से क्या बैंक डूब जाएंगे? नहीं, प्राइवेट होने से बैंकों में एक अलग ही मोमेंटम होगी। और यही कारण है कि इन पीएसयू बैंकों के लिए 20,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन का काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बैंक भी परफॉर्म करें, और इस फाइनेंशियल बजट का ही देन है कि आज स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है और बीयर्स की बोले तो बोलती बंद हो गई है, बुलिश जो है चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन ICICI बैंक 13% का ग्रोथ किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11%, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60% और हमारा पंजाब नेशनल बैंक, आपका पंजाब नेशनल बैंक 7% ग्रोथ के साथ जो है उस दिन बजट के दिन क्लोज होता हुआ दिखा। तो यदि आप चार्ट पैटर्न पर देखें, ये तो थी दो न्यूज जो आपके लिए जरूरी थी। अब चार्ट क्या कर रहा है? चार्ट देखिए, चार्ट डब्लू बना रहा है। और जब भी किसी स्टॉक में या किसी भी शेयर में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या केमिकल सेक्टर का स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक है, ये चार्ट पैटर्न में जब भी डब्लू का शेप बनता है तो एक बड़ी मोमेंटम की तैयारी शुरू होती है। या तो मोमेंटम नीचे होती है या तो मोमेंटम ऊपर होती है। तो यहाँ डब्लू जो है, जो डब्लू का लास्ट वाला जो सिरा है, नीचे से बनता हुआ आपको स्टार्ट हो रहा है, 32 रुपये के लेवल से उठता हुआ चालू हो रहा है। यानी कि 32 रुपये 50 पैसे का जो लेवल था वो पंजाब नेशनल बैंक के लिए एक सबसे तगड़ा सपोर्ट लेवल था। और उस सपोर्ट लेवल को बरकरार रखते हुए जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 37 रुपये 50 पैसे, उसको भी आज इसने ब्रेक किया। और यहाँ से उम्मीद जताई जा रही है कि जो 42 रुपये 50 पैसे का जो इसका अगला सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वो बहुत ही जल्द आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा। और जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से पंजाब नेशनल बैंक में क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की परफॉर्मेंस क्या होगी। तो एंट्री बनाने का अभी भी बढ़िया टाइम है, आप एंट्री बना सकते हैं। बात करें आज के ट्रेनिंग सेशन में, तो आज 25 पैसे का गैप अप ओपनिंग हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, 36 रुपये 45 पैसे से ओपन हुआ, 38 रुपये 75 पैसे आज पंजाब नेशनल बैंक का डे का हाई रहा, 35 रुपये 70 पैसे इसका लो रहा और 38 रुपये 55 पैसे पंजाब नेशनल बैंक की अंतिम ट्रेडिंग प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं LTP थी। और आज की डेट में तकरीबन पंजाब नेशनल बैंक में 21,22,76,933 की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड किए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में, जिसमें से 6,68,60,416 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है पंजाब नेशनल बैंक में। तकरीबन 31.50% की डिलीवरी यहां पर उठती हुई दिख रही है पंजाब नेशनल बैंक में। और डिलीवरी की मात्रा और वॉल्यूम ऑफ डिलीवरी ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि लोगों का रुझान अब पंजाब नेशनल बैंक की तरफ बढ़ रहा है और लोग जो है इसमें दबाकर जो है डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका जीता जाता सबूत जो है NSE पर उपलब्ध डेटा है। आपको डिलीवरी रिपोर्ट, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक की डिलीवरी रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पर ज़रूर देखनी चाहिए। और यदि आप कंपेयर करें पंजाब नेशनल बैंक के पिछले 2 हफ्तों के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, तो वहां से आपको सबसे इम्पोर्टेंट डेटा निकल के आएगा कि आज की डेट में जो 21 करोड़ से ऊपर की जो वॉल्यूम जनरेट हुई है, ये पिछले 2 हफ्तों के ट्रेडिंग सेशन, यानी पिछले 2 हफ्तों के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज इंक्रीज हुआ है। और वॉल्यूम के साथ साथ इसने आज अपने 2 वीक का हाई भी आज ब्रेक किया 37 रुपये 50 पैसे का। तो उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब नेशनल बैंक में आप अच्छा मुनाफा जरूर कमाएंगे। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि किसी भी स्टॉक को लेकर, ABCD कोई भी स्टॉक हो, यदि आप उसको टाइम देंगे तो वो आपके लिए पैसा बनाकर जरूर देगा। आप जल्दबाजी में आते हैं, चौका छक्का मारने के लिए आते हैं और सीधा क्लीन वो लोकर पवेलियन चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट
एक टेस्ट क्रिकेट है, आप इसमें जितना ज़्यादा लंबी पारी खेलेंगे, जितना ज़्यादा टिकेंगे, उतना ज़्यादा आप बेनिफिट कमा पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और आप सभी का तहे दिल से वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।